और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधते हुए कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पर तंज कसा है। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने कमलनाथ के युवाओं वाले ट्वीट पर भी पलटवार किया और कहा कि हमारा युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी में पीएम मोदी और सीएम शिवराज के नेतृत्व में जो काम देश के अंदर हुए हैं और युवाओं को जिस प्रकार के अवसर मिले हैं उसकी दिशा में बीजेपी सरकार ने लगातार काम किया है। अठारह से 23 साल के 53 लाख मतदाता हैं कि 2018 के अंदर आप सरकार बनाने के लिए झूठे वादे आपने किए थे। आपने कहा था युवाओं को 4000 बेरोजगारी भत्ता देंगे। 15 महीने की सरकार में आपने एक पैसा किसी युवा को दिया था क्या? बल्कि अपमान किया था।